प्रणाम भोजपुरिया जहान, प्लेनेट भोजपुरी में राउर स्वागत बा। भोजपुरी दुनिया से जुड़ल सब खबर सबसे पहले पावे खातिर चैनल के सब्सक्राइब करी जा और घंटी के बटन दबाई जा। लोग सबसे पहले हमारे मीडिया से आए हुए जो दोस्त हैं उनको मैं प्रणाम करता हूं, और जो भोजपुरी दर्शक हैं जो हमारे हमारी फिल्में देखते हैं उन लोगों को भी तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि उनके आशीर्वाद से ही ये फिल्म जो है नरसिम्हा कर रहा हूं। और इसमें हमारे जो हीरो है प्रिंस सिंह राजपूत जी है, दो हीरोइन हैं, एक रूपा सिंह है, दूसरी आरसी सिंह है। तो कोशिश मेरी ये है कि फिल्म अच्छी बने, बाकी जनता जनार्दन है आशीर्वाद वो देंगे देखने के बाद। मेरी यही कोशिश रहती है कि भाई जनता को क्या चाहिए, वही नरसिम्हा में है। एक रोमांटिक एक्शन इमोशन से भरी फिल्म है। इसमें है कि नरसिम्हा का जब मैं कहानी पढ़ा तो कहानी के हिसाब से जो गेटअप, जो बॉडी बिल्ड और जो एक्शन पैक हीरो जो बोलते हैं वो मुझे दिखा इनमें। तो मैंने पहले सबसे पहले इन्हीं को अप्रोच किया कि भाई आपको ये फिल्म करनी है, और तो इन्होंने हमारे साथ में एक सपोर्ट किया कि इन्होंने अपना जो बीच के जो दो तीन फिल्मों का डेट था इन्होंने आगे कर लिया, और रिक्वेस्ट करने पर ये डेट जो है मुझे दिए कि नहीं पहले अपना आप अपना काम कंप्लीट कीजिए उसके बाद जो है हम आगे करेंगे। प्रोड्यूसर जो है हमारे इसमें एम ए खान जी और रमेश यादव जी हैं, तो उन लोगों का मतलब बिल्कुल पूरा सपोर्ट है। जो मैं रिक्वायरमेंट देता हूँ, जो भी लोकेशन हो, जो भी प्रॉपर्टीज़ हो, या जो भी चीज़ मैंने जो उम्मीद किया था उससे 10 गुना ज़्यादा वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं। और एक डायरेक्टर को इससे ज़्यादा भाग्यवान क्या कहा जाए कि भाई मैं इस मामले में लकी हूँ कि जो सोच के आया था उससे 10 गुना मुझे ज़्यादा मिल रहा है। क्योंकि ये जो चीज़ है, मैं थोड़ा सा आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, ये चीज़ जो है दर्शक खुद डिसाइड करेगी कि भाई फिल्म देखने के बाद, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है कि ट्रायंगुलर लव स्टोरी है तो ऐसा कुछ नहीं है। दोनों हीरोइनें हैं, दोनों का अपना किरदार है, दोनों ने अभी तक जो काम किया हूँ दोनों ने बहुत अपना काम बखूबी से किया है। तो थोड़ा सा पब्लिक के लिए एक क्यूरियोसिटी रहेगी कि भाई कौन है, क्या है, कहाँ है। तो ये फिल्म देखेंगे उनसे मैं इतना ही अनुरोध करूँगा दर्शकों से कि कृपया इंतज़ार करें, और मूवी बहुत ही जल्द मतलब अक्टूबर नवंबर से पहले रिलीज हो जाएगी। 8 से 9 महीना से हम लोग इस पर पूरा प्रपोजल चल रहा है, इसका पूरा सिस्टम बन रहा है फिल्म का, पूरा हर करेक्टर का एक गेटअप देना, हर आर्टिस्ट को फाइनल करना। हमारे डायरेक्टर सुजीत जी ने प्रॉपर ढंग से उतारा है इस फिल्म में। नई नई छाप तो वही है, लेकिन इसमें क्या बोलते हैं, लव सीन भी है, कॉमेडी भी है, एक्शन भी है, लेकिन हमारा मुद्दा वही रहेगा भी। रूपा जी के साथ तो मैं ऑलरेडी 3-4 फिल्में कर चुका हूँ, बहुत अच्छा है। और सिया जी के साथ मैं फर्स्ट बार कर रहा हूँ भोजपुरी। अभी 2-3 दिन हम लोग शूट किए, बहुत अच्छा, मैंने एक फैमिली जैसे घुल मिल गया, पता नहीं चल रहा है कि भैया लखनऊ तो हमारी जान है। लखनऊ में सब याद हमारे लखनऊ से ही जुड़ता है। मैं लखनऊ सिटी यूपी को बहुत लाइक करता हूँ। मेरी अधिकतर फिल्में मैंने 5-6 फिल्में मैंने लखनऊ में ही शूट किया, तो यहाँ की यादें कभी जा नहीं सकती, हमेशा दिल में बसा हुआ है। अरसिया जी वेरी गुड आर्टिस्ट, नेचर भी इनका बहुत बेहतरीन है। लगा नहीं कि हम कभी नहीं मिले हैं या कभी काम नहीं किए, वैसे लगा कि हम लोग कितने सालों से मिले हैं या फिल्में किए हैं, ऐसा नेचर है इनका। इनका इनके जो मम्मी आई हुई है वो उन्हें वेरी गुड। सबको नमस्ते एंड भोजपुरी इंडस्ट्री मीडिया एवरीवन, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मैं बहुत ज़्यादा फ्रैंक हो गई हूँ सबके साथ, पूरी टीम के साथ, एंड सब लोग मुझे इतने अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं, आई कांट एक्सप्लेन इट। इतना ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, इतने प्यार से बात करते हैं सब लोग, बहुत ध्यान रखते हैं, एंड एक्टिंग भी सर इतने अच्छे से निकलवा लेते हैं मेरे अंदर से। मैं अगर नहीं भी कुछ अच्छे से कर पाती तो सर पूरा टाइम देते हैं कि हाँ बिल्कुल करेक्टर में अच्छे से घुस जाओ, फिर एकदम से अपना बेस्ट दो। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है काम करके। नरसिम्हा बहुत क्यूट हैं बहुत अच्छे हैं, उनके साथ काम करके बहुत अच्छा फ्रेंडली नेचर हो गया हमारा, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं हम साथ में। रूपा जी बेस्ट हैं, उनसे अच्छी मुझे अभी तक कोई नहीं मिली है यहाँ पे, वो बहुत बेस्ट है। उनका नेचर, इतने प्यार से बात करती हैं वो,
इतना ध्यान रखती हैं वो सबका, बहुत अच्छी हैं वो, बहुत क्यूट हैं। इन दोनों की जोड़ी बहुत सही लगती है मुझे, दोनों बहुत क्यूट लगते हैं साथ में, बहुत अच्छे लगते हैं। डायरेक्टर साहब तो सबसे ज़्यादा क्यूट है, मतलब इन ये तो बेस्ट हैं सबसे, इनके साथ तो लाइक एकदम हम लोग बहुत बात करते हैं, एकदम सीन को एकदम सर अच्छे से समझाते हैं, बहुत अच्छे हैं सर, तो बेस्ट, मुझे सबसे बेस्ट डायरेक्टर भोजपुरी में सर लगते हैं। ऑडियंस से मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप जाइए हमारी मूवी देखिए एंड देखिए आपको कितनी अच्छा लगता है हमारा मूवी, मेरी एक्टिंग कितनी अच्छी लगती है, एंड बहुत सारा प्यार दीजिए। भैया जैसे सारे जो सुपर हिट, अभी हमारी भैया की फिल्म आई थी क्रेक फाइटर, जो कि 2019 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म है। मेरा एक सौभाग्य है कि भैया के साथ काम करने का मौका मिला है, सुजीत जी के साथ। आज भोजपुरी के टॉप डायरेक्टर हैं, भोजपुरी में मान लीजिए तो रोहित शेट्टी बोले जाते हैं, फुल एक्शन फिल्में बनाते हैं। तो दिल मैं यही कहना चाहता हूँ कि भैया के फिल्मों के, जिससे सारी फिल्मों को आप लोग सुपर हिट किए, तो मैं एक छोटा सा आर्टिस्ट अभी शुरुआत किया हूँ, मैं भैया के साथ फिल्में कर रहा हूँ नरसिम्हा, इसको भी आप लोग आशीर्वाद दीजिएगा जब रिलीज होगा तो, और देखिएगा लोग बेहतरीन फिल्म बन रही है, बहुत हम लोग मेहनत कर रहे हैं, बस यही अपील है भैया। रिक्वायरमेंट यही है कि बस जल्दी फिल्म बन जाए और जल्दी दर्शकों तक पहुँच जाए, चूँकि सोशल मीडिया के माध्यम से काफ़ी मतलब मैसेज जा चुका है कि फिल्म अति जल्द आने वाली है। तो एक्सपेरिमेंट इसमें ये है कि जो हमारे एक्टर एक्ट्रेस है वो पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, और उनसे जो निकलता है वही जनता की भी जाने वाली है। तो वो बस यही समझिए कि बस जनता के लिए कुछ जो भी हो, मैं खुद भी बना के जनता से माफ़ी मांगता हूँ अगर कुछ मुझसे गलती हुई हो, और हमेशा उम्मीद रखता हूँ कि जनता के पास कमेंट्स आए, मैसेज आए, तो उस पर रिवाइज़ करता हूँ, उसको चेंज करता हूँ। और सबसे बड़ी बात कि एक सब कंप्लीट फैमिली पारिवारिक चाहिए, इसमें हमारा एक ही स्कोरिंग है कि पूरा परिवार अपने घर में बैठ के फिल्म को देख सके। उस फिल्म का नाम है नरसिम्हा। प्लैनेट भोजपुरी।